Welcome once again to my channel and thanks for the positive response to my previous videos. Please keep on liking and subscribing my channel. And today's topic is leaf modification. Leaf सब लोगों ने देखी है और रोज देखते भी हैं, तो हम एक बार उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. A leaf is a lateral, generally flattened structure born on the stem. सबको पता है ये flat structure है और किससे originate होती है ये? Stem, apical meristem से originate होती है. और कहाँ पर डेवलप होती है स्टूडेंट? ये नोड वाले रीजन में. मैंने आपको पहले भी बताया है अपने पहले वीडियो में कि जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है, ये जो नोडल जोन है यहाँ पर इस नोड वाले जोन में ही हमेशा लीफ जो है, लीफ ब्रांच कोई भी है वो यहीं से डेवलप होती है. तो लीफ कहाँ पर जुड़ी है स्टूडेंट? यहाँ पर, यानी ये नोडल रीजन है तो वहां से लीफ जुड़ी होती है. और ये क्या है, मेन वेजिटेटिव जो है पार्ट है प्लांट का, जो फोटोसिंथेटिकली जो है फूड की फॉर्मेशन करता है, फूड बनाता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब इसके हम पार्ट्स एक बार देख लेते हैं कि लीफ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. लीफ बेस, पिटियोल, लैमिना और लीफ प्लेट. तो ये वाला स्टूडेंट जो बेस है, जहां से ये मान लो यहाँ पर ये नोड पे जुड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं लीफ बेस. बेस वाला पोर्शन उसको हम बोलेंगे लीफ बेस, जहां से वो नोडल रीजन से स्टेम के ऊपर जुड़ी रहती है. उसके बाद आपने देखा यहाँ पर दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल. ठीक है स्टूडेंट? तो ये लीफ लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल. और ये वाला पार्ट जो लीफ स्टॉक है, यहाँ पत्ती की डंडी जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? पिटियोल. वो पार्ट है पिटियोल. और ये वाला जो मेन, जिसको आप पत्ती बोलते हैं, लीफ बोलते हैं, जो फ्लैटेंड पार्ट है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, उसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड और लेमिना. इसका दूसरा नाम है लेमिना, इसको हम लेमिना या लीफ ब्लेड बोलते हैं. और यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है. अब स्टूडेंट इनका फंक्शन क्या है? लीफ बेस इसको, लीफ को जो है स्टेम के साथ नोडल रीजन पर जॉइन करके रखता है. कई प्लांट्स में जो लीफ बेस है वो क्या होता है, थोड़ा सा स्वेल अप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जैसे इस तरह से जो नीचे वाला बेस है वो इस तरह से स्वेल अप हो जाता है. ये बेस है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फाइबिनस. लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में ऐसा होता है कि ये स्वेल अप कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं फाइबिनस. ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये कई कई मॉडिफिकेशंस होते हैं. और ये इसका क्या काम है स्टिप्यूल का, कि जो लीफ बर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है. यानी बेस इसको अटैच कर रहा है, स्टिप्यूल का काम है लीफ बर्ड जब स्टार्टिंग स्टेज में होती है, डेवलप नहीं होती है, तब उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. उसके बाद जो पिटियोल है या जिसको हम स्टॉक बोल रहे हैं, वो क्या करता है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि वो लीफ को होल्ड करके रखता है, जो लीफ है उसको स्टेम के ऊपर होल्ड करके रखता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को वो ऑब्जॉर्ब करे और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करे. और फ्लटरिंग में उसको ऐसे मूव करने में हेल्प करता है, ताकि जो फ्रेश एयर है वो उसके ऊपर आए और उसको एक कूलिंग इफेक्ट दे. तो ये फंक्शन है लैमिना का, इसका पिटियोल का. अब आते हैं हम लीफ ब्लेड और लैमिना. लैमिना में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. तो ये वाला आपको प्रोमिनेंट सा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं मिडरिप. ये कहलाता है मिडरिप. और बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह से दिखाई दे रही है, ये कहलाती है वेन. और फर्दर इसका जो ब्रांचेस हैं, फर्दर ये वाली जो ब्रांच लिखी हुई है, इसको हम बोल सकते हैं वेनलेट्स. तो वेन और वेनलेट्स. तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जो वेन और वेनलेट्स हैं, ये लीफ को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं और एक ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह वर्क करती हैं, क्योंकि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम, जिनको हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. तो वेन और वेनलेट्स और जो मिडरिप है, उनका मेन फंक्शन हो गया एज ए ट्रांसपोर्टिंग चैनल, और इट गिव रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड और लैमिना. तो ठीक है स्टूडेंट, हमने तीनों पार्ट की बात कर ली. लीफ बेस जो इसको नोडल रीजन पर अटैच कराती है, और यहाँ पर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है. ये स्टिप्यूल्स लीफ बर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं जब तक कि लीफ डेवलप नहीं होती है पूरा. उसके बाद पिटियोल, पिटियोल लीफ को होल्ड करके रखता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को ये ऑब्जॉर्ब करे और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सके. दूसरा जो एयर है, फ्रेश एयर,
उसको लेकर आए ताकि रिसीव करे, ताकि इसमें कूलिंग इफेक्ट आए। और लीफ ब्लेड जो फोटोसिंथेसिस के काम करता है, यहाँ पर वेनलेट्स और वेन उसको एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है क्लोरोफिल जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो कर रहा है। तो मेन ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। एक बार मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ लीफ का। देखिए ये जो लीफ है इसमें ये देखिए जहां से ये जुड़ा हुआ है ये पार्ट कहलाता है इसका लीफ ब्लेड। ये वाला पार्ट ये जो है ये पार्ट कहलाता है इसका ये जो है ये पिटियोल या लीफ स्टॉक, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लेमिना और लीफ ब्लेड। तो ये हो गया बेस जहां पर ये स्टेम। देखिए ये नोडल रीजन है, इस नोडल रीजन से देखिए हर एक नोडल रीजन से जो लीफ है वो डेवलप हुई है। एक नोड का रीजन ये है, एक नोड का रीजन ये है। तो नोडल रीजन से जो लीफ है वो डेवलप हुई है वहां पर बेस है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये देखिए ये है स्टिप्यूल। छोटी छोटी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये स्टिप्यूल, ये देखिए ये स्टिप्यूल वाली स्ट्रक्चर है। और उसके बाद ये जो है ये जो लीफ स्टॉक है जिसको हम पिटियोल बोल रहे हैं ये लैमिना है। और बीच में आप देखिए कितना प्रोमिनेंट सा आपको लीफ ब्लेड दिखाई दे रहा है। अगर पीछे से भी देखेंगे तो आपको अलग से दिखाई दे रहा है। ये है लीफ जो ये मिडरिप लीफ ब्लेड में। उसके बाद ये वेन और वेनलेट्स, ये देखिए वेन और वेनलेट्स। हाँ ये जो पार्ट है लीफ का जिसको हम बोलते हैं मार्जिन। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्लेन बनाया है इसका मार्जिन। ये प्लेन भी हो सकता है और उसमें ऐसे इंसिजन्स भी हो सकते हैं, से कट्स। तो प्लेन भी हो सकता है और ऐसे इंसिजन भी हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन। ये हो गया अपेक्स स्टूडेंट, और ये लीफ ब्लेड और लेमिना स्टूडेंट। अब हमने ये तो लीफ के पार्ट्स को पढ़ लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं वेनेशन। वेनेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स ऑन लीफ। जो लीफ पर इनका अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं वेनेशन। देख लीजिए एक बार, द लेमिना और लीफ ब्लेड कंटेन्स वेन एंड वेनलेट्स। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना और लीफ ब्लेड इज टर्म्ड एज वेनेशन। यानी ये जो अरेंजमेंट है जो हमने बनाया है इसको, इसका जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर इसको हम डिवाइड करते हैं लीफ को, वेनेशन के बेसिस पर, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरलर वेनेशन। अब ये क्या है रेटिकुलेट वेनेशन और पैरलर वेनेशन, यानी ये मोस्टली टू फॉर्म्स में आकर करता है, मिलता है हमको देखने के लिए। रेटिकुलेट यानी नेटवर्क। देखिए स्टूडेंट रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क। कहीं पर भी ये वर्ड आता है तो आपको याद रखना है कि जो रेटिकुलेट है इसका मतलब है नेटवर्क। तो अब नेटवर्क जैसा हमने यहाँ बनाया है, और ये मैंने अभी आपको लीफ में भी दिखाया था, ये देखिए पूरा नेटवर्क की तरह से यहाँ प्रेजेंट है। तो ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन, जहां पर वेन और वेनलेट्स एक नेटवर्क बना लेती हैं लीफ के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। यानी मिडरिप हो गई, और मिडरिप के साथ पूरा जो वेन वेनलेट्स है वो एक नेटवर्क के फॉर्म में है। और मोस्टली ये रेटिकुलेट वेनेशन हमें डाइकॉट्स के अंदर देखने को मिलता है। जो डाइकॉट्स प्लांट्स हैं उनको जब हम डिफ्रेंशिएट कराते हैं तो उसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर बताते हैं कि जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनके अंदर जो लीफ है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, रेटिकुलेट, मोस्टली रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आता है पैरलल। पैरलल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? पैरलल मीन्स अगर ये लीफ है तो लीफ में मिडरिप यानी जो मेन वेन है मिडरिप, उसके बाद बाकी की जो वेन्स हैं वो उसके पैरेलल में होंगी, बिल्कुल पैरेलल में चलेंगी, इस तरह से होंगी। या आपने केले के पत्ते को देखा होगा कि उसके अंदर इस तरह से होती हैं, और ये इस तरह से पैरेलल वेनेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो ये भी पैरेलल वेनेशन का टाइप है। ये जो है बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस तरह का या इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है स्टूडेंट? पैरेलल में, जो हमें वीट मेज में देखने को मिलेगा, बनाना में देखने को मिलता है। ये देखिए ये पैरलर वेनेशन का टाइप है। यहाँ पर देखिए ये सारी पैरलर है, ये फैन पाम है जिसके अंदर हमें ये देखिए पूरा पैरलर वेनेशन के अंदर देखने को मिल रहा है पूरा। आप उसको बनाना में देख सकते हो, लिली में देख सकते हो, और देखिए ये पूरा पैरलर पैरलर फॉर्म में अरेंज है। तो ये पैरलर वेनेशन है। और ये प्लांट मोस्टली जो है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, मोनोकॉट्स के अंदर। तो मोनोकॉट्स का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, पैरलर वेनेशन। और डायकॉट्स का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है रेटिकुलेट वेनेशन, यानी नेटवर्क के फॉर्म में। अब स्टूडेंट हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। अभी हमने लीव के बारे में, पार्ट्स ऑफ लीव और वेनेशन के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की लीव होती हैं,
कौन कौन सी होती है? सिंपल लीफ और कौन सी होती है? कंपाउंड लीफ। आगे हम पढ़ते हैं सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ के बारे में।